अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस बात का डर था वही हुआ। हिंसा की आशंका थी और यह हुई भी। 3 नवंबर को तो यह तय हो गया था कि जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। जिद्दी डोनाल्ड ट्रंप फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। चुनावी धांधली का आरोप लगाकर जनमत को नकारते रहे और हिंसा की धमकियां भी दी। वोटिंग के 64 दिन बाद जब अमेरिकी संसद बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने जुटी तो अमेरिकी लोकतंत्र संसार हो गया। ट्रंप के समर्थक दंगाइयों में तब्दील हो गए, संसद में घुसे, तोड़फोड़ और हिंसा की। CNN के मुताबिक संसद के बाहर और अंदर हिंसा में 4 लोग मारे गए और 52 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। मिलिट्री के स्पेशल यूनिट ने दंगाइयों को खदेड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट ने अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन पर चर्चा की, जिसमें किसी राष्ट्रपति को अपनी शक्ति और कर्तव्यों को छोड़ने में नाकाम रहने की स्थिति में उसके उपराष्ट्रपति और कैबिनेट की ओर से हटाया जा सकता है। इसका मतलब है अगर कैबिनेट ट्रंप को हटाने का रास्ता अपनाती है तो डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति माइकल पेंस को ट्रंप को पद से हटाने के लिए वोटिंग में कैबिनेट का नेतृत्व करना होगा। ट्विटर ने ट्रंप के कुछ ट्वीट्स को हटाने के साथ ही 12 घंटे के लिए उनका हैंडल सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर के इस एक्शन के बाद फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने भी उन पर 24 घंटे के लिए बैन लगा दिया है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में गृह युद्ध की आशंका से पूरी दुनिया में हड़कंप सा मच गया है और दुनिया के तमाम बड़े नेता शांति की अपील कर रहे हैं। अगर यह हिंसा नहीं रुकती तो अमेरिका गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा, जिसका पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा और कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया एक और बड़े झटके के लिए शायद ही तैयार हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ट्रेंडिंग न्यूज को आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है, जिसके लिए हम आभारी हैं। अपनी अमूल्य राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। हमें आवश्यकता है हिंदी के कुछ जुझारू संवाददाताओं की, जो हमें अपने प्रदेश की सामाजिक समस्याओं के बारे में अवगत करा सके। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी जरूर दें। हम जल्द ही संपर्क करेंगे। धन्यवाद।